मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज जो मेडिसिन हम पढ़ेंगे वो है यूफ्रेजिया ऑफिशिनालिस। इसको ब्राइट आई भी कहा जाता है। यूफ्रेजिया का जो लफ्ज़ है ये तीन यूनानी जो देवियां हैं उनमें से एक देवी यूफ्रोसिना के नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है खुशी और इम्बसात के। दूसरी दो देवियां जो हैं वो एग्लिया है जो कि चाम की देवी है और थेलिया है जो फेस्टिविटी की देवी है। तो बहरहाल ये नाम जो है वो खुशी और इम्बसात के हवाले से यूफ्रेजिया। ये प्लांट किंगडम की दवाई है और ज़माने कदीम से आँखों के अमराज के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा है। पुराने दौर के जो अतिब्बा थे वो जड़ी बूटियों या चीज़ों की ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है या शबाहत है उसको देखकर अंदाज़ा करते थे कि ये पौधा या जड़ी बूटी जो है वो जिस्म के किस निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है। तो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अखरोट की शक्ल दिमाग से मिलती है या बादाम की शक्ल आँख से मुशाबे है या शहतूत के जो पत्ते हैं उन पर आपको फेफड़ों के जो एल्वियोलाई हैं उनकी तरह की लकीरें नज़र आती हैं। तो इस मुशाबेत की बुनियाद पर अखरोट को दिमागी ताकत के लिए, बादाम को आँखों की बिनाई के लिए और शरबत शहतूत जो है वो खांसी या जो बलगमी अमराज हैं उनके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के तहत यूफ्रेजिया के जो फूल हैं इन पर जो काले रंग का निशान नज़र आता है उसकी आँख की पुतली से मुशाबियत की वजह से पुराने अतिब्बा जो हैं इसको आँखों के अमराज के लिए इस्तेमाल करते थे। तो बाद में होम्योपैथी प्रूविंग ने भी ये साबित किया कि वाकई ये दवा आँखों के अमराज पर इसका ख़ास असर है। तो इस पौधे के एक्सट्रैक्ट को जब निकाला गया तो उसमें देखा गया कि इसमें टैनिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। एक और भी वोलेटाइल और कसैला मवाद इससे निकलता है जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं की जा सकी या उसको आइसोलेट नहीं किया जा सका है। लेकिन टैनिक एसिड की अगर हम प्रूविंग को देखें तो उसमें भी आपको यूफ्रेजिया के अलामात की एक झलक जो है वो नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर टैनिक एसिड का जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसको लोकली इस्तेमाल किया जाता है खून के अखराज को रोकने के लिए या बलगमी झिल्लियों का जो अखराज है उसको कम करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। टैनिक एसिड को ऑस्मिड्रोसिस के लिए भी यानी पसीने से जो नागवार बू आती है तो उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैनिक एसिड की चंद अलामात का मैं यहाँ जिक्र करूँगा तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि यूफ्रेजिया से उसका ताल्लुक़ जो है वो कैसे बनता है। मसलन ऑब्स्टिनेट नर्वस कफ एक ज़िद्दी किस्म की खांसी है, हेमीचूरिया पेशाब में खून का आना, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन ज़िद्दी कब्ज़ है, ज़िद्दी खांसी है, पेन इन द एब्डोमेन एग्रीवेटेड बाय लिटिल प्रेशर तो पेट में दर्द जो ज़रा के दबाने से उसमें इजाफा हो जाता है, इंटेस्टाइंस कैन बी फेल्ट लाइक सिलेंड्रिकल एनलार्जमेंट आते जो हैं वो ऐसा पेल्पेट करने पे लगती हैं जैसे अंदर पाइप पड़े हुए हों, यानी आप उसको पेल्पेट कर सकते हैं आंत को। तो ये टैनिक एसिड की अलामतें हैं जो आगे चल के हम यूफ्रेजिया की अलामतें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें एक मुशाबियत जो है वो मौजूद है। यूफ्रेजिया पाकिस्तान में DHMS के सिलेबस में ये पढ़ाई जाने वाली छठी दवा है। ज़्यादातर होम्योपैथ इसकी सिर्फ एक दो अलामात का ही जिक्र करते हैं और वो है एक्रेड लैक्रिमल एंड ब्लैंड नेजल डिस्चार्ज और इसको कम यानी आँखों से खराशदार पानी और नाक से सादा पानी का अखराज जो है ये इसकी ख़ास अलामत है। और इसको कंपेयर किया जाता है एलियम सीपा के साथ जिसमें इसके उलट अलामत है यानी एक्रिड नेजल एंड ब्लैंड लैक्रिमल डिस्चार्ज यानी नाक से तेजाबी या खराशदार
पानी का इखराज और आँखों से सादा पानी का इखराज। तो ये बिल्कुल उलट अलामत है दोनों दवाओं की। तो बस ये अलामतें जो हैं आमतौर पर बयान की जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस दवा को पढ़ने और पढ़ाने में इसके साथ पूरा इंसाफ नहीं किया जाता। ये बात दुरुस्त है कि इस दवा की ज़्यादातर अलामत आपको आँखों के हवाले से मिलेंगी, लेकिन इस दवा की अपनी एक पूरी पर्सनैलिटी है और उस टोटैलिटी की बुनियाद पर जब आप दवा को देखेंगे तो उसमें कई अमराज का इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। आपको मालूम है कि मैं दवा पढ़ाते हुए आमतौर पर जो पैथोलॉजी की टर्म्स हैं उनको कम इस्तेमाल करता हूँ और आपकी तवज्जो दवा की अलामात की तरफ ज़्यादा मबजूल कराता हूँ, लेकिन इस दवा की अहमियत के पेश नज़र मैं आपको कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये दवा जो है वो सिर्फ इसी एक अलामत पर ही नहीं कई बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होती है। मसलन ब्लेफ्राइटिस है, कैटरेक्ट यानी मोतिया है, सफ़ेद मोतिया, नज़ला ज़ुकाम है, फ्लू है, कुलंज के लिए इस्तेमाल होती है, अशोबे चश्म या कंजंक्टिवाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है, मसों के लिए और छोटे गोमट्स जो बन जाते हैं उनके लिए, खांसी की दवाई है, वदूदों की सोजिश की दवा है, नाक के कैंसर की दवाई है, खसरे के इब्तदाई स्टेज में इसकी अलामत आपको मिलती हैं, होंठ ऐसे महसूस होते हैं जैसे स्टिफ हो गए हों या उनमें सख्ती आ गई हो, आयराइटस की कुकरों की दवाई है, पपोटे के फालिज की दवा है, कील महासों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स की सोजिश में, पैरोटाइटिस में इस्तेमाल होता है, इसी तरह प्रोस्टेट की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, या स्टाइफाइलोमा जो है खनाजीर या कंठमाला किस्म की जो बीमारियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इसको छोटी दवा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि आँखों की जो अलामात हैं उससे आपको एक की नोट की मिल जाता है जिससे आप इस दवा के सिलेक्शन में आसानी महसूस करते हैं। इस दवा को याद रखने के लिए बस एक ही लफ्ज़ याद रखना काफ़ी है और वो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स, यानी आबदार झिल्लियाँ या म्यूकस झिल्लियाँ आप उनको कह लें। तो इस दवा का असर आँख और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर सबसे ज़्यादा है, तो जहाँ पे म्यूकस का इखराज जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन बाज़ जगह आप देखेंगे कि म्यूकस का इखराज कम भी हो जाता है। तो आँखों से आमतौर पर खराशदार या तेजाबी पानी निकलता है और नाक से सादा पानी का इखराज होता है, ये इसका की नोट है। आँखों से निकलने वाला मवाद चाहे वो पानी की शक्ल में हो, वो गीद की शक्ल में हो, मवाद पतला हो या मवाद गाढ़ा हो, ये बात याद रखना ज़रूरी है कि वो एक्रिड होगा, वो खराशदार होगा, वो तेजाबी होगा, यानी जिस जगह भी वो मवाद या खराज लगेगा उस जगह पर सुर्खी, जलन और सोजिश पैदा कर देगा। मसलन अगर आंसू गाल के ऊपर बहते हैं तो उससे गाल जो है वो छिल जाएंगे या सुर्ख हो जाएंगे। अगर मवाद गाढ़ा है तो आँखों के किनारों पर चिपक जाएगा और किनारे जो है वो सुर्ख हो जाएंगे, आशोबे चश्म हो जाएगा, सुबह उठने पर आँखों पे गीद चिपकी हुई होगी, या दिन के वक्त भी आँखों में गीद का एहसास होगा तो जिससे मरीज जो है वो बार बार आँखों को झपकना चाहता है। उसकी वजह यह है कि आँखों के सामने उसे ऐसा महसूस होता है जैसे चिपचिपा मवाद आ गया है, तो वो बार बार आँखें झपक कर उस जाले को हटाना चाहता है। तो रोशनी से आँखों को तकलीफ़ होती है, सूरज की जो रोशनी है उससे भी तकलीफ़ होती है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट जो है वो उसमें उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मरीज़ में अगर यानी ये अलामत आपको मिले कि आँखों से खराशदार पानी है और नाक से सादा पानी है, तो फिर बीमारी का नाम चाहे कुछ भी हो तो आप यूफ्रेजिया के बारे में ज़रूर सोचेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको दूसरी दवाओं के साथ कंपेयर कर लेना चाहिए। मसलन आँखों से जो खराशदार पानी है वो आर्सेनिक या सल्फर में भी हो सकता है, और भी कई दवाएँ हैं आर्मट्राइफिलम वगैरह मसलन जैसे उनमें भी है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है अलामात की ये आपको शिद्दत के साथ यूफ्रेजिया में मिलेगी, यानी बवयक वक्त आँखों से खराशदार पानी और नाक से सादा पानी का निकलना जो है वो इसकी खास अलामत है। लैकेसिस में भी
आँखों से और नाक से खूब पानी बहता है, लेकिन उसमें आँखों का पानी खराशदार नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आँखों से पानी बहने से मरीज़ बेहतर महसूस करता है, जबकि यूफ्रेजिया में ऐसा नहीं होता। आर्निका पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि चोट और चोट के जो बद असरात हैं उसके लिए आर्निका तीर बहदफ दवा है, लेकिन अगर चोट आँख पर लगे या आँख के करीब लगे और यूफ्रेजिया की ये अलामत उसमें पाई जाए कि आँखों से खराशदार पानी का अखराज शुरू हो जाए, तो फिर यहाँ पे आर्निका काम नहीं करेगी, आपको यूफ्रेजिया देनी पड़ेगी। मैंने एक मरीज़ को देखा जिसकी आँख पर मुक्का लगा था और आँख के गिर्द नील पड़ गया और आँखों से लगातार पानी बहना शुरू हो गया, तो आर्निका की बजाय यूफ्रेजिया देने से मरीज़ जो है वो सेहतयाब हुआ। आँखों से सिर्फ पानी का बहना ज़रूरी नहीं है, आँखों से निकलने वाला कोई भी जो मवाद है वो चाहे पतला हो गाढ़ा हो वो खराशदार होगा, तो लिहाजा खराशदार दूसरी जो दवाएं हैं उसके साथ इसको कंपेयर कर लेना चाहिए। इस दवा को आम तौर पर एलियम सीपा के साथ कंपेयर किया जाता है और आप जानते हैं कि एलियम सीपा प्याज से बनने वाली दवा है, जिसमें यूफ्रेजिया के बिल्कुल उलट अलामत आपको मिलेगी, यानी आँखों से सादा पानी होगा और नाक से खराशदार पानी होगा, जिससे छींकें आएंगी या नाक में जलन होगी या नाक से जो पानी बहेगा वो ऊपर के होंठों को छील देगा, तो इस तरह के ला। जबकि यूफ्रेजिया में आँखों से निकलने वाला पानी गालों पे बहेगा तो गाल सुर्ख हो जाएंगे और सोजिश महसूस होगी। ज़हनी तौर पर यूफ्रेजिया का मरीज़ जो है वो खामोश होता है लेकिन बाखबर होता है, जबकि एलियम सीपा का जो मरीज़ है वो बेइतनाई और बेतवज्जी ही का मुजाहरा करता है। इस दवा की अलामात पढ़ते हुए आप ये महसूस करेंगे कि इसमें आपको मुतजाद अलामात मिलती हैं या कुछ अजीब अलामात मिलती हैं। मैं आपको उसकी चंद मिसालें देता हूँ। मसलन इखराज जो है वो कहीं पर तो ज़्यादा होता है और कहीं पे कम होता है। मसलन आँखों और नाक से खुलकर इखराज होता है पानी का या मवाद का, लेकिन मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कम होता है। अच्छा, आँखों से खराशदार पानी होगा और नाक से सादा पानी होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये मुतजाद अलामत है। आम तौर पर देखने में ये आया है कि खांसी जो है वो रात के वक्त ज़्यादा होती है, लेकिन यूफ्रेजिया की खांसी जो है वो दिन के वक्त ज़्यादा होती है, यानी रात को यूफ्रेजिया को खांसी नहीं होती, दिन में ज़्यादा खांसता है। अच्छा, आम तौर पर यह होता है कि खुली हवा में मरीज़ जो है वो तरोताज़ा महसूस करते हैं, लेकिन यूफ्रेजिया के मरीज़ में मुतजाद अलहमद ये है कि खुली हवा में उसको जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, यानी जैसे ही मरीज़ खुली हवा में टहलना शुरू करेगा तो उसकी जमाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक और मुतजाद अलामत यह है कि मेंसेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक वक्त पर होंगे, ना आगे ना पीछे, लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए होंगे या सिर्फ एक दिन के लिए होंगे, साथ दर्द भी होगा और बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि एमनोरिया में या मेंसेस दब जाने की सूरत में आँखों से ये पानी का इखराज जो है वो शुरू हो गया है, तो फिर आप समझें कि उसकी दवा यूफ्रेजिया है। आम तौर पर आँखों की तकलीफ में जो आर्टिफिशियल लाइट है की निस्बत सूरज की जो रोशनी है उसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है, यानी आर्टिफिशियल लाइट में इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी सूरज की शुआएँ तकलीफ़ देती हैं। लेकिन यूफ्रेजिया में तजाद ये है कि सूरज की रोशनी जो है वो कम तकलीफ़ देती है और आर्टिफिशियल लाइट जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है। एक और तजाद आप देखें कि मरीज़ जो है वो बैठे बैठे गनूदगी में चला जाता है, लेकिन जब सोने की कोशिश करता है तो नींद नहीं आती। इसी तरह जब मरीज़ गला साफ़ करने लगता है, यानी उसको खांसी आती है या खंकारता है, तो ख़ास तौर पर सुबह के वक्त मरीज़ के गले में एक बदबूदार बलगम का उसको एहसास होता है, और वो जब खंकार कर गला साफ़ करने की कोशिश करता है तो नाश्ता बाहर आ जाता है, यानी उसको कह हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको कई जगह पर मुतजाद अलामात जो हैं वो मिल रही हैं, तो इससे भी आप इसको याद कर रख सकते हैं दवा को।
ये बात मशहूर कर दी गई है कि यूफ्रेजिया जो है वो कॉर्नियल ओपेसिटी को यानी मोतिया सफ़ेद मोतिया को ठीक कर देती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक यूफ्रेजिया की अपनी अलामत नहीं होंगी तो उस वक्त तक कैटरेक्ट पर भी इसका कोई ख़ास असर नहीं होगा, लेकिन अगर यूफ्रेजिया की अलामत हैं तो फिर ये कैटरेक्ट को क्योर कर देगी। मर्दाना अज़ा से मुतालिक इसमें एक अलामत यह है कि मर्दाना अज़ा तनासली पर मोके या गोमड़ निकल आते हैं, और इसी तरह प्रोस्टेट की सोजिश में रात को बार बार पेशाब आए और पेशाब गैर इरादी तौर पर निकल जाए तो ये इसकी बड़ी अहम अलामत है। तो यूफ्रेजिया से आप अपना मरीज़ जो है वो ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर ये बाईं जानिब की अलामत इसमें पाई जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको दाईं जानिब की अलामत भी मिलेंगी। एग्रवेशन जो है हम देख लेते हैं कि मर्ज़ में जो ज़्यादती है वो बिस्तर में होती है, बंद कमरे में होती है, गर्मी से होती है, ह्यूमिडिटी से ज़्यादा होती है, या जनूबी हवाओं से और छूने से तकलीफ़ों में इजाफ़ा होता है। अलबत्ता काफ़ी पीने से और अंधेरे में मरीज़ बेहतर महसूस करता है। तो यहाँ मैं इसको एलियम सीपा के साथ फिर कंपेयर करूँगा कि एलियम सीपा की तकलीफ़ है काफ़ी पढ़ने पीने से जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह फ्लू में, एलर्जी में, वायरल इन्फेक्शंस में या खसरे की इब्तदाई जो स्टेज है उसमें आपको यूफ्रेजिया की जब बुनियादी अलामतें मिल रही हों तो फिर ये दवा ज़रूर फ़ायदा करती है। सुबह के वक्त खूब ज़ुकाम बहता है, शदीद खांसी होती है, बलगम निकलता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खांसते हुए मरीज़ जो है वो कह कर देता है, और अगर खांसी के साथ आँखों से पानी बहने की तकलीफ़ है तो फिर यूफ्रेजिया के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह आशोब चश्म में भी आँखों से पानी बहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी नहीं बहता, सिर्फ गाढ़ा मवाद निकलता है जो जिससे आँखें जो है वो चिपकने लग जाती हैं। सर दर्द भी होता है जिसमें यानी सर के फटने का एहसास होता है, इसे हम नज़लावी सर दर्द कह सकते हैं। तो आँखों के पपोटे जो हैं वो खराशदार अखराज की वजह से सूज जाते हैं, क्योंकि उसमें चिपचिपा मवाद जो है वो भरा होता है और मरीज़ बार बार आँखों को चिपकना चाहता है। आँखों के जो किनारों पर मवाद इकट्ठा होगा तो चूंकि वो तेजाबी होता है और मरीज़ जो है उसको साफ़ करता रहता है, तो अगर आप ये अलामत ढूंढ रहे हैं कि मरीज़ की आँखों से पानी बह रहा है तो बाज़ औक़ात देखने से ये अलामत आपको नहीं मिलेगी। मैंने एक मरीज़ को देखा जिसने मुझे ये बताया कि उसको ये फीलिंग है कि उसके ऊपर का होंठ जो है उसमें अकड़ाहट है और भारी महसूस होता है। तो मैंने जब उससे कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या उसकी आँखों में गीद होती है, तो उसने बताया कि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है और मैं वक्फे वक्फे से उसको साफ़ करता रहता हूँ। इस दवा में कब्ज़ भी पाई जाती है, और मक्कत पर बोझ होगा, बैठने से ज़्यादती होगी, कांच निकलने की तकलीफ़ होती है, यानी रेक्टल प्रोलैप्स जिसको आप कहते हैं, यानी रेक्टम जो है वो ढीला होकर मक्कत से बाहर आ जाता है। पेचिश में भी आपको ये अलामत मिलेगी। एक और अजीब अलामत इसमें पाई जाती है, और वो ये है कि मरीज़ को महसूस होता है कि उसके टेस्टीज़ ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं और प्यूबिक बोन के पीछे एक ख़ास दबाव का एहसास होता है। तो ऐसी फीलिंग अगर है और प्रोस्टेट की तकलीफ़ है तो फिर यूफ्रेजिया जो है वो उसकी यकीनी दवा होगी। सर्दी वाला होता है इसका मरीज़, यानी सर्दी उसको ज़्यादा लगती है, लेकिन रात के वक्त जब मरीज़ सोया होता है तो उसको छाती के ऊपर पसीना आता है। हम देखेंगे आगे कुछ दवाएं पढ़ेंगे जिसमें चेहरे पर ज़्यादा पसीना आता है, जिस्म पर ज़्यादा, तो यूफ्रेजिया के मरीज़ को रात को सोते हुए बिस्तर में छाती पर पसीना जो महसूस होता है। तो ये इस दवा की का एक तारुफ था जिसमें जो ख़ास अलामत है वो वही है कि आँखों से खराशदार अखराज होगा और नाक से सादा पानी का अखराज होगा, और बाकी इसकी जो पैराडॉक्सिकल अलामत हैं यानी मुतजाद अलामत हैं उनके ज़रिए से आप इस दवा को याद रख सकते हैं। तो होम्योपैथी पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना
मैं समझता हूँ ये कार्य स्वाब है। तो आप भी इसका हिस्सा बने और शेयर करें दूसरे साथियों के साथ, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।